पीएम मोदी हुए 71 साल के, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य 20 दिन तक चलेगा, सेवा और समर्पण अभियान। भारत में पिछले 24 घंटे में 34,403 नए कोविड केस आए सामने, कल के मुकाबले 12.5% का हुआ इजाफा। वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली, ट्विटर पर किया ऐलान। दिल्ली बॉर्डर हुआ सील, कृषि कानूनों के विरोध में ब्लैक फ्राइडे मार्च से पहले अकाली दल का दावा। चीन की नाराजगी से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हेरफेर, IMF चीफ का आरोपों से इनकार। रोहित के अगले T20 विश्व कप में कप्तान बनने के सबसे ज्यादा आसार। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के थरूर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी। NCRB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2020 में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के मामले में लगभग 2 गुना बढ़ावा। राकेश अस्थाना को बनाया गया दिल्ली का टॉप कॉप, केंद्र के 288 पन्नों में कोर्ट को बताया गया कारण। राजस्थान में ISI के लिए जासूसी के आरोपों में गैस एजेंसी के संचालक गिरफ्तार।